अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल फाइन, आप लोग ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है, हमारी सीरीज़ का जो पहला सेक्शन है हमारे कुरानिक पैसेजेस वाला वो पूरा हो चुका है और अब हम लोग रेवलेशन एंड द कंपाइलेशन ऑफ कुरान के ऊपर आ गए। बिफोर स्टार्टिंग वही जो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होती है रोज़, मैं उस वही रिक्वेस्ट आपसे दोबारा करना चाहूँगा कि educatorchannel.com पर जाएँ, वहाँ हमारे फ्री फुल स्केल और हमारे क्रैश कोर्सेज अवेलेबल हैं, उनको ज़रूर परचेज़ करें। क्योंकि अगर आप इस्तेमाल रखते हैं, क्योंकि ये कि हम लोग इससे बेटर कॉन्टेंट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें आपको काफ़ी यानी कि इंशाल्लाह फ़ायदा भी होगा। ये आपको ऑल द ईयर अवेलेबल होते हैं, आप लेना चाहते ले सकते हैं, और अगर नहीं लेना चाहते कोई इशू नहीं है, क्योंकि इससे जो अर्निंग जनरेट होती है हमारे पर्सनल एक्सपेंस के लिए होती, वी आर यूजिंग दैट टू बिल्ड अ स्कूल। अपार्ट फ्रॉम दैट educatorchannel.com के फ्री सेक्शन पे ये सारे नोट्स पड़े हुए हैं जहाँ से मैं आपको ये पढ़ के पढ़ा रहा हूँ। मेरे अपने नोट्स में टीचर के नोट्स यूज़ नहीं करता, सारे हमने खुद बनाए हुए। उसके बाद lotstudy.com पे lotstudy.com पे जाएं, वहाँ हमारे आपको मेरा अपना भी बहुत सारा रिसोर्स मिल जाएगा फ्री में, और उसके अलावा कंट्रीब्यूटर रिसोर्स भी अवेलेबल है, आप खुद भी अपना रिसोर्स कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, फाइनेंशियल नहीं एजुकेशनल रिसोर्स जो भी करना चाहें, नोट्स, टॉपिकल सॉल्व पास पेपर्स, इसके अलावा नोट्स, वीडियोस, इस तरह की चीज़ें। उसके अलावा ये है कि बहुत सारा कंटेंट हम रोज़ में और भी अपलोड कर रहे हैं हर सब्जेक्ट के लिए। मेरे फेसबुक ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसको जरूर ज्वाइन करें, वहाँ मैं खुद अवेलेबल होता हूँ, क्वेश्चंस आंसर कर रहा होता हूँ, बहुत सारा फ्री कंटेंट वहाँ भी अवेलेबल है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को बताएं कि किस पे हम लोग बाकी सिलेबसेस का भी इंशाल्लाह कंटेंट डालेंगे। सो स्टार्टिंग विद द रिवीलेशन ऑफ द होली कुरान, इसका हमें पहले पूरा जो है प्रोसेस बताना चाहिए, यानी किस तरह कुरान शरीफ रिवील हुआ, इसको हम लोग बड़ा सिंपल से करके मैं आपको यहाँ पर कंपेक्ट करके बताऊँगा, फिर इसको लाइफ इन मक्का हम लोग आगे पढ़ेंगे। द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, जैसे आप सुन की एज जो है आपकी एज बढ़ती गई, आपको लोगों की अंडरस्टैंडिंग आती गई सोसाइटी की, तो आपको अंदाज़ा होता गया कि आपके लिए जो सोसाइटी कर रही है कुछ ठीक नहीं है, तो इसलिए आप ना रिट्रीट करते थे, अकेले रहना पसंद करते थे कई कई दिन, काफ़ी स्पैन ऑफ डेज के लिए, और आपके लिए, और ये आप गारे हिरा में करते थे जो एक मक्का के क्लोज एक गार था, और आपका जो फेवरेट टाइम था ये करने के लिए वो बेसिकली था रमज़ान का महीना। तो जब आप सुन की 40 ईयर्स एज थी उस वक्त आप एक बार रमज़ान में ये इंस्टाग्राम पे वो करने गए, अपना रिट्रीट करने गए उसके अंदर, और एक दिन आपको यानी हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपके सामने आए, उन्होंने कहा कि पढ़ो, उन्होंने पढ़ने का वो किया, तो आप सुन का जवाब आया कि मैं उम्मी हूँ। उम्मी वर्ड का मतलब ये होता है कि जो पढ़ना लिखना नहीं जानता, या जिसने अपनी माँ से पढ़ना सीखा होता है, जिसने फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली होती, तो मैं नहीं पढ़ सकता। तो उसमें यह है कि उनको यानी जो फरिश्ता है उन्होंने आप सुन को हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने यानी यूँ समझें कि होल्ड किया और बहुत कस के इस तरह वो किया कि आप सुन का बाद में यानी उन्होंने एक बार ये बताया किसी साहबी को, मुझे ये फील हुआ कि शायद मेरी जान ना निकल जाए, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि मुझे वो यानी उतना किया कि मैं एग्जॉस्ट हो गया बहुत ज़्यादा, फिर ये दोबारा कहा पढ़ो, दोबारा इस तरह हुआ। 3 दफ़ा होने के बाद हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने ये सूरत अलक की पहली 5 आयात, जिनको सूरत इकरा की पहली 5 आयात भी कहते हैं, वो पढ़ी, इकरा बिस्मे रब्बिकल लज़ी खलक वाली, और उसके बाद आप सब ने उनको उनके साथ रिपीट किया। तो जब वो रिपीट कर रहे थे तो उनके उनको लगा कि उनके दिल में यानी ये पूरा जो है महफूज हो गया, उनको वो भूला नहीं। ये जो है ये बिल्कुल पहली रेवलेशन थी, और उसमें ये है कि आप सब जो है वहाँ से गार से बाहर निकले, तो उनको यानी ये वही है वहाँ से बाहर निकल रहे थे, उन्होंने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देखा आसमान में, तो उन्होंने बताया हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कि मैं जिब्राइल अलैहिस्सलाम हूँ, आप अल्लाह के रसूल हैं, और ये पहली वही थी। उसके बाद ये जो सिलसिला है ये तो ये हमारा तकरीबन 23 साल के लिए जाएगा, ठीक है, रेवलेशन का सिलसिला है, और आखिरी जो हमें वही है उसका पता है कि वो आफ्टर यानी द फाइनल पिलग्रिमेज जो आप सुनो कि वो आई, दिस दे हैव अ परफेक्टेड रिलीजन फॉर यू, कम्प्लीट फेवर अपॉन यू, ये जो है उसमें। अब आपको यानी जब आप सुन अपने घर पहुँचे तो खदीजा अलैहिस्सलाम को उन्होंने बताया पूरा सीन, वो यानी कि पूरा क्या हुआ है, उन्होंने आप सुन को चादर ओढ़ दी, उनके आप यानी होता है रिक्कत तारी जाती है, वो आपके ऊपर कैफियत थी। उसके बाद वो आपको वरका बिन नौफल के पास ले गई, वरका बिन नौफल एक स्कॉलरली पर्सन था, वो सही क्रिश्चियनिटी के ऊपर था, जो उस टाइम सही क्रिश्चियनिटी थी उसको फॉलो करता था, तो उसने कंफर्म किया कि वाकई ही ये जो यानी जो एंजल को आपने देखा है वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम है, और ये वही एंजल है जो पिछले अंबिया के ऊपर यानी वहियाँ लाते रहे, और उसने ये भी प्रेडिक्ट किया कि एक वक्त वो आएगा जब आप सुसलम को क्रैश के लोग जो हैं आपके अपने लोग जो हैं अपने शहर से निकाल देंगे, क्योंकि ये अंबिया में एक चीज़ आपको कॉमन मिलती है ये कि उनको यानी इस तरह फेस करनी पड़ती है, अपोजिशन फेस करनी पड़ती है। उसके बाद ये कि ये 23 साल के बिना होता है कि वो जारी रहा, उसके बाद ये कि जो खुतबा हजतुल विदा था उसके बाद हमारी फाइनल रेवलेशन आई। अब इसमें बहुत सारी डिफरेंट टाइप की फीलिंग्स थी जो आप सब को फील होती थी जब ये आता था अपना यानी वही आती थी। उसमें कुछ चीज़ें जो हमें अहादीस से पता है या हमें रिवायात से पता है वो ये हैं कि आप सलम को शदीद सर्दी में पसीना आ जाता था, ठीक है, कि यानी डेजर्ट की सर्दी हो, आप देखें ना सऊदी अरब एक डेजर्ट एरिया है, वहाँ पे सर्दी शदीद सर्दी पड़ती है, लेकिन ये कि उनको उसमें पसीना आ जाता था, ठीक है,
जैसे बेल्स नहीं होती उनकी रिंगिंग की आवाज़ सुनाई देती थी। उसके बाद ये कि कई बार जिब्राइल अलैहिस्सलाम जो है वो इंसानी शक्ल में आ जाते थे आपसे उनसे मिलने, और जब वो आपसे बात करते थे, जब वो चले जाते थे तो बातें आपसे उनको याद आती थी। ठीक है, उसके बाद ये है कि कुछ कंपेनियंस का भी पता है कि इनके साथ वाले लोगों ने जो बातें बताई जो उनने एक्सपीरियंस किया, तो एक कंपेनियन कहते हैं कि मैं आपसे उनके साथ बैठा हुआ था, आपसे उनकी टांग मेरी टांग के ऊपर थी, उस वक्त आपसे उन पर वही नाजिल हुई, तो उनका वजन इतना ज़्यादा बढ़ गया कि मुझे लगा मेरी शायद टांग टूट जाएगी। इस तरह अगर आप आपसे किसी जानवर को यानी राइड कर रहे होते थे तो वो आपके वजन से उस टाइम उसके यानी उस प्रेशर से वो बैठ जाता था जानवर। ठीक है, इतना ज़्यादा हो जाता था। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने बताया, ये जो ठंड में पसीने वाली बात है जो उन्होंने बताई है कि आपसे जो है वो अखीर एक्सट्रीम ठंड में भी जो है वो परस्पायर करने लग जाते थे। उन्होंने देखा कि वही आ रही है तो देखा कि परस्पायर करने लग गए। कुरान शरीफ जो है एक साथ पूरा नाजिल नहीं हुआ था, इट वाज रिवील्ड इन पोर्शंस, वो यानी वक्तन फवक्तन नाजिल हुआ था। और कुरान शरीफ का जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, जिस ऑर्डर में वो आपको यानी कि वो किया गया, रिवील किया गया, और उसके जो फाइनल बुक फॉर्म है वो अलग है, क्योंकि जो फाइनल यानी अलग है ना, उसकी सेटिंग अलग है, रिवील किसी और सेटिंग में हुआ था। जैसे पहली 5000 जो सूरत अलग की हैं, सूरत इकरा की, वो कुरान शरीफ की स्टार्ट में नहीं आती, वो कुरान शरीफ में काफ़ी आगे जाके आती हैं। इस तरह जो दूसरी हमारी आयत हैं वो भी काफ़ी आगे जाके आती हैं। तो और ये जो है बेसिकली आप उनके जो सब्सक्राइब्स थे यानी जो वही लिखने वाले थे, उनको आप सुन बताया करते थे कि ये जो है आयत आपने किस किस जगह पे लिखनी है, किस और आयत के साथ लिखनी है, इसको कहाँ आपने वो करना है, यानी कि किस आयत के साथ, यानी जब वो रिवील हो गई तो बताना है कौन कौन सी आयतों के साथ लिखनी है, कौन सी सूरह में लिखनी है, बता दिया करते थे। और अपनी ये निगरानी में लिखवाया करते थे। ठीक है, उसको यानी वो किया जाता था, रीचेक किया जाता था। और जितनी भी ये गाइडेंस है इसको करने की, जो स्क्राइब्स थे उनको हजरत आफसरों की, यानी कि जो स्क्राइब्स थे जो वही लिखने वाले थे, कातबे वही थे, उनको आफसरों के थ्रू मिलती थी गाइडेंस मिलती थी। और जो आफसरों को गाइडेंस मिल रही होती थी, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से मिल रही होती थी, यानी डिवाइन गाइडेंस के अंडर वो हो रहा होता था। ठीक है, और यानी हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने बताया कि हमें बता दिया करते थे कि फ़लाँ फ़लाँ आयात के साथ इन आयत को लिख दो, ताकि उससे जो है उसका एक ऑर्डर जो है साथ साथ मेनटेन होता रहे, ऐसे ना हो कि ऑर्डर कभी भी ना हो। और ये जो है कि चैप्टर्स को डिवाइन गाइडेंस के अंदर जो ऑर्डर दे दिया गया था, लेकिन कोई कंप्लीट रिटन कॉपी मौजूद नहीं थी, जिनके उसमें उसके पीछे एक लॉजिकल रीज़न है कि जब आप सोचते हैं अभी ज़िंदा हैं और उनको वो आ रही है, वही आ रही है, तो फाइनल कॉपी बनाई नहीं जा सकती ना, अगली किसी को भी वही आ सकती है, उसमें वो ऐड करनी होगी। तो एक फाइनल, लेकिन जो हुफाज़े कराम थे जिनने कुरान शरीफ को हिफ्ज़ किया था, उनकी मेमरीज़ में पूरा कुरान शरीफ जो स्टोर था स्टार्ट से लेकर एंड तक सही सेटिंग में। और ये इस्लाम का एक बहुत बड़ा मिरेकल है, कुरान शरीफ का बहुत बड़ा मिरेकल है, कि अगर फ़र्ज़ करो इस वक्त दुनिया की सारी जो इल्हाम यानी वो है, यानी सारी जो रिलीजियस किताबें, अगर उनको एक बार बिल्कुल यहाँ से ख़त्म कर दिया जाए तो फिर भी कुरान शरीफ सर्वाइव कर जाएगा, क्योंकि बहुत सारे उफाज़ को इस वक्त कुरान शरीफ पूरा याद है, लेकिन किसी और मज़हब में आपको ये नहीं मिलेगा कि उनको पूरा पूरा मजहबी किताबें याद हों। ठीक है, और आप सुसरम जो है हर रमज़ान में इस तरह करते थे कि हर रमज़ान, ये मैं आपको बेसिकली रेवलेशन और आप सुसरम की लाइफ के ड्यूरिंग आप सुसरम की लाइफ जो है उसकी कंपाइलेशन कैसे भी बता रहा हूँ। हर रमज़ान में आप सुसरम की यानी ये वो थी, यानी हर रमज़ान के अंदर आप सुसरम इस तरह करते थे कि पूरे कुरान शरीफ को स्टार्ट से लेकर एंड तक जितना उस टाइम पर रिवील हो चुका होता था उसको एक लाउडली पढ़ते थे, सेटिंग से पढ़ते थे, और जो सब्सक्राइब हैं सारे सही जो सारे जो आप सुसरम के जो कातबे वही थे वो आके उसको अपनी कॉपीज़ को चेक किया करते थे उसके साथ, कि कहीं खुदा ना खास्ता कोई मिस्टेक वगैरह ना हुई हो। जो आप सुसरम की ज़िंदगी में आखिरी रमज़ान था उसमें आप सुसरम ने यही प्रैक्टिस 2 दफ़ा की, यानी एक ही रमज़ान में 2 दफ़ा कुरान शरीफ को आउट लाउड पढ़ा, ताकि बिल्कुल कोई जो है इस तरह शक व शुबा निकल जाए, कोई चीज़ चेंज हुई है, गलत हो सकती है, कोई चीज़ उसकी सेटिंग सही नहीं है। इस तरह कुरान शरीफ का जितना आपको बताया कंपाइलेशन ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम शुरू हो गई थी, लेकिन कंपाइलेशन ऑब्वियसली बात है मुकम्मल नहीं की जा सकती, और कोई रिटन बुक फॉर्म पूरी बुक फॉर्म अवेलेबल नहीं थी। कुरान शरीफ को लिखा जाता था डेड उसके ऊपर, यानी डेड बोन्स के ऊपर, ड्राइड बोन्स के ऊपर, लीव्स के ऊपर, चमड़े के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर, लेकिन कोई कंप्लीट एक कॉपी मौजूद नहीं थी। जब हज़रत अबूबकर रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत आई है तो उस वक्त ये हुआ था कि आपको पता है कि बहुत, हमें आगे इसको पढ़ेंगे भी सही खिलाफत वाले चैप्टर के अंदर, कि बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारे जो कबाइल हैं वो मुर्तद हो गए थे, उन कबाइलों ने अपने ही लोगों को या दूसरे लोगों को जो है फेक यानी गलत यानी जो वो थे नाउस बिल्ला जो गलत नबूवत का दावा कर रहे थे उन लोगों को वो नबी मान लिया था उस पॉइंट पर। तो इसमें आपको मिलेगा असफद अंसी मिलेगा, आपको तुलहा मिलेगा, आपको साजा मिलेगी, और इसमें जिस बंदे के ख़िलाफ़ सबसे मुश्किल जंग हुई वो था मुसलमा कज़ाब। कज़ाब का वर्ड उसको एक कज़ाब का जो नाम है ये आप सुसलम ने दिया था कि मुसलमा द लायर, लायर का मतलब यानी कि झूठ बोलने वाला जो है, क्योंकि इसके पीछे पूरे बैकग्राउंड स्टोरी है, क्योंकि वो ड्यूरिंग आप सुसलम की लाइफ जो है वो मदीना आया भी था और उसको यानी कि गिफ्ट भी दिए गए थे, वो इस्लाम कबूल करने आया था, लेकिन वापस जाने के बाद भड़क गया, भटक गया, और उसने जो है फिर एक ख़त लिखा आप सुसलम को नाउस बिल्ला, जिसमें कहा गया कि आप हिजाज़ को सऊदी अरेबिया को डिवाइड कर लें 2 हिस्सों में, एक उसके फॉलोअर्स के लिए, एक आप सुसलम के फॉलोअर्स के लिए। तो इस बात के ऊपर उसको कज़ाब का वो दिया गया था। तो हज़रत
जो उसके खिलाफ जंग हुई थी, सॉरी अपना मुसैलमा कज़ाब के खिलाफ जो जंग हुई थी उसको बैटल ऑफ यमामा कहा जाता है। और ये बड़ी एक यानी मुसलमानों के लिए एक बड़ी मैन पावर लॉस की बैटल थी, बहुत सारे इसमें हुफाज़ कराम शहीद हो गए थे। तो इस पे हज़रत उमर रज़ी को ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि बेशक जंगों की वजह से यानी शहादत की वजह से या नेचुरल डेथ की वजह से, एज की वजह से, आहिस्ता आहिस्ता जो सहाबा कराम है वो इस दुनिया से आहिस्ता आहिस्ता जाते जाएंगे क्योंकि डेथ एक हकीकत है, और कहीं इस वजह से वही ना हो कुरान कुरान मजीद के साथ नाउज़ बिल्ला जो बाकी इल्हामी किताबों के साथ हुआ है कि उनमें फिर आगे तहरीफ होनी शुरू हो गई। तो उन्होंने क्योंकि उसकी पूरी कॉपी जो है जो असल हुफाज हैं सहाबा कराम हैं उनके जहन में, तो उन्होंने हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को मशवरा दिया कि आप एक कमेटी बनाएं जिससे इसकी यानी कुरान मजीद की एक प्रॉपर जो है कॉपी, रिटन कॉपी बनाई जाए, जो ऑफिशियल कॉपी हो, जो उसी तरह बनाई गई, जो उसी फॉर्म में हो जो कि कुरान शरीफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रिवील किया गया था, ताकि दुनिया में एक असल कॉपी मौजूद हो जिससे कल को दूसरी कॉपीज़ बनाई जा सकें। शुरू में हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने बड़ा रेजिस्ट किया कि जो काम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया खुद अपनी ज़िंदगी में तो मैं किस तरह करूँ, लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु उनको कन्विंस करते रहे, उनको ये बात यही समझाई कि उस टाइम वो पॉसिबल नहीं था, उस टाइम की हिकमत कुछ और थी, इस टाइम जो है सिचुएशन कुछ और है। तो फाइनली वो उस पर यानी उनको मान गए उस चीज़ को हज़रत सॉरी ये उसको मान अच्छा हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु को जो है वो किया गया, उसमें यानी कमेटी का हेड बनाया गया, और उसके साथ जो है यानी उनके साथ उनको बहुत सारे और भी कंपेनियंस दिए गए। हज़रत ज़ैद बिन साबित जो रज़ी अल्लाह अन्हु हैं वो ख़ुद भी कंपेनियन थे, यानी ख़ुद भी सहाबी थे, ख़ुद भी हाफ़िज़े कुरान थे, और वो ख़ुद भी कातबे वही थे, वही वो यानी वही आदि थे, उनको लिखा करते थे, और उनके साथ बहुत सारे और कंपेनियंस दिए गए। ये कहा जाता है कि उस वक्त कम से कम 20 से 25 कंपेनियन ऐसे ज़रूर जिंदा थे जिनको पूरा कुरान शरीफ जो है अपने जहन में पूरा यानी वो शुरू से लेकर एंड तक फुल सेटिंग में याद था, ठीक है, जब ये कमेटी बनाई गई। और उसमें ये है कि जब उनको ये कहा गया ज़ैद बिन साबित को कि आपने ये टास्क करना है, तो उनने उनका यानी बयान ये था कि मुझे ये फ़ील हुआ कि मेरे आप कंधों पर एक चट्टान रख दो, आप मेरे कंधों पे पहाड़ रख दो और मुझे कहो कि एक जगह से दूसरे जगह उस पहाड़ को लेके जाओ, ये मैं कर सकता हूँ, लेकिन मेरी कि ये आसान काम है कंपेयर टू द काम जो मुझे दिया जा रहा है कुरान शरीफ की कंपाइलेशन का, क्योंकि कोई गलती करने का चांस नहीं था, कोई गलती उसमें होनी भी नहीं चाहिए थी। तो ये है कि उन्होंने लेकिन हालांकि वो खुद हाफिज़ थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपनी मेमोरी पे बेस नहीं की बात को, उनने हर उसको यानी जो चीज़ उन्होंने फाइनल कॉपी में ऐड की उसको किसी ना किसी और सहाबी से इन रिटर्न फॉर्म लिया, और वो भी रिटर्न फॉर्म सिर्फ वो वाली रिटर्न फॉर्म जो कि आप सल्लम की गाइडेंस में उस सहाबी ने डायरेक्टली लिखी थी, यानी ऐसा नहीं कि आप सल्लम ने किसी एक सहाबी को बताया फिर उन सहाबी से किसी और सहाबी ने सुना उन्हें लिखी, नहीं, जिन सहाबी ने आप सल्लम से डायरेक्टली सुन के लिखी थी उन सहाबी से यानी उन असहाब से वो जो है रिटर्न कॉपी कलेक्ट की गई, जिस तरह को बताया कि चमड़े के पीसेस के ऊपर, ड्राइड बोन्स के ऊपर, लेदर के ऊपर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उन लीव्स के ऊपर, ड्राइड लीव्स, हर जगह वो की गई, और एक जो फाइनल कॉपी है वो तैयार की गई जो कि बिल्कुल वही कॉपी थी जिसके जो जो आप सल्लम के टाइम में रिवील हुई थी, जिस उसमें यानी कि एग्जैक्टली सेटिंग वही थी, और इसको जो है हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को दिया गया। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की डेथ के बाद ये कॉपी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास आई, और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी डेथ के बाद यानी उनकी डेथ के बाद जो है ये कॉपी चले गई हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हु को, जो कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की बेटी थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात में से एक थी। तो इस कॉपी का नाम पड़ गया मशफ़ल हफ्सा, मशफ़ का मतलब ये कॉपी ऑफ द होली कुरान, हफ्सा यानी उनके नाम से, तो हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हु की होली कुरान की कॉपी, ठीक है, यानी जो उनकी उनके पास कॉपी थी, और फिर बाद में यही कॉपी यूज़ हुई हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के टाइम में बाकी को बनाने में। मेरा ख्याल है हमारे पास वीडियो में इतना टाइम है कि हम इसको बाकी को भी कवर कर लें यहाँ पे। जी हज़रत उस्मान हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के टाइम में बहुत ज़्यादा कन्क्वेस्ट हुए, बहुत ज़्यादा इस्लाम फैला, रोमन पर्शियन एम्पायर गिरा पूरा, और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के टाइम में फिर ये और फैलता गया। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के टाइम में इस तरह हुआ कि जो नए इलाके थे जहाँ पे अभी लोग नए नए मुसलमान हुए थे उनको एक तो अरेबिक नहीं आती थी, ठीक है, उनको एग्जैक्ट अरेबिक नहीं पता थी कि अरेबिक के एग्जैक्ट वर्ड क्या है, तलफ़ुज़ क्या है, बयान करने का अंदाज़ क्या है। तो उसमें कुछ जगहों में यानी सीरिया और इराक स्पेशली, इन जगहों में जहाँ पे अरेबिक नेचुरली बोली नहीं जाती थी, वहाँ पे ये इशू आया कि कुछ जगहों पे डायलैक्ट्स का चेंज आने लग गया, इन अ सेंस के लोगों को उसमें ये फियर पैदा हो गया, कई साहब ने इस चीज़ को, कई सारे साहबियों को ये चीज़ फील हुई कि कहीं इस तरह ना हो जाए कि ये लोग कुरान शरीफ को गलत अंदाज से पढ़ने लग जाएँ, क्योंकि इनको नॉलेज नहीं है उस चीज़ का। और उस वक्त ये है कि हज़रत अनस, आपको एक रवायत मिलता है कि हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु ने, दूसरी रवायत मिलता है कि हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु ने, दोनों रवायतें पॉसिबल हैं, हो सकता है कोई और नाम भी मिले, मकसद ये कि सहाबियों में से एक सहाबी ने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को ये बात बताई, तो उन्होंने उसमें इमीडिएट एक्शन लिया, उन्होंने उसी यानी उन्हीं सहाबी को हज़रत ज़ैद बिन साबित को दोबारा उस पर वो किया, यानी कि उस पर दोबारा यानी कि इस चीज़ के लिए हायर किया, और उनको एक कमेटी दी गई। इस कमेटी के अंदर जो है कुछ और सहाब शामिल थे,
और उनको ये कहा गया कि हज़रत मशफ़ल हफ्सा, यानी जो हज़रत हफ्सा उन्होंने से वो कॉपी ली गई मशफ़ल हफ्सा वाली, उस कॉपी को यूज़ करके कहा गया कि और कॉपीज़ बनाई जाएँ एग्जैक्टली, यानी कि इसे कार्बन कॉपी किया जाता है, और उसमें यानी कि वो हमें पता है कि वो कॉपी एग्जैक्टली वही कॉपी थी जो हज़रत अबूबकर के टाइम में कंपाइल हुई थी, और सबको पता था कि वो कॉपी जो है एग्जैक्टली वही कॉपी है जो आप के टाइम में हुई थी, रिवील हुई थी। और हज़रत उस्मान उन्होंने ये फरमाया कि अगर कहीं पर डायलैक्ट में इख्तलाफ आए, क्योंकि अरेबिक में बहुत सारे डायलैक्ट्स हैं, डायलैक्ट में इख्तलाफ आ सकता है, तो उन्होंने कहा कि जहाँ भी डायलैक्ट में इख्तलाफ आए, तलफ़ में इख्तलाफ आए, वहाँ कुरैशी तलफ़ यूज़ किया जाएगा, क्योंकि कुरान शरीफ आप वसलम पर उतरा है और आप ख़ुद कुरैश से थे, ठीक है। एक एक कॉपी से, इस एक एक कॉपी को यूज़ करके जो वो है अपना मस्जिद नबी में शुरू से लेके एंड तक पूरा कुरान शरीफ सुनाया गया, ताकि सारे सहाबी ताबी जितने भी लोग मौजूद थे वो सब सुने और कंफर्म हो जाए कि कुरान शरीफ में तहरीफ नहीं की जा रही, कोई चेंजेस नहीं की जा रही, बल्कि सिर्फ कॉपीज़ बनाई गई हैं ओरिजिनल कॉपीज से, कार्बन कॉपीज़ बनाई गई हैं। ये तमाम कॉपीज़ जो उनको दे दी गई, यानी हर एरिया के गवर्नर को भेज दी गई, और ये कहा गया कि अब बाकी कॉपीज़ इन्हीं कॉपीज़ से बनेंगी, ताकि तहरीफ का कोई चांस ना रहे, और कोई भी कॉपी जो इन कॉपीज़ से मैच नहीं करती उसको बाय फायर जलाया जाएगा। इसमें हिकमत थी, अगर आप उसको ज़मीन में दबा देते हैं कल को कॉपी बाहर निकल सकती है, अगर आप उसको पानी में फेंक देते हैं कल को वो कॉपी बाहर निकल सकती है, फिर उसमें बेहरमती का चांस हो सकता है, तो उसको उनको आग से जलाया जाएगा, ताकि वो बिल्कुल जो है जो कॉपीज़ ओरिजिनल कॉपी के साथ मैच नहीं करती वो ख़त्म हो जाए, और सिर्फ जो है अब इस वक्त दुनिया में जितना कुरान शरीफ है वो सारा वही ओरिजिनल कुरान शरीफ है जो कि उन कॉपी से जो असल कॉपी बनाई गई थी हज़रत उस्मान अज़ाम टाइम में उनसे बना, वो कॉपी किन से बनाई गई थी उन कॉपी से जो हज़रत बकर टाइम में जो कॉपी मशफ़ल हफ्सा बनी, और वो कॉपी किस तरह बनी थी जो हमें पता है कि तमाम सब उनसे स्क्राइब से लेके जो असल आप पे कुरान शरीफ उतरा था उसी ऑर्डर में उसी तलफ़ हर चीज़ तरीके से। तो ये हमारा कंपाइलेशन रिवेलेशन का पार्ट पूरा होता है, बाकी इसके बाद करेंगे, मेरे ख्याल कैमरे की लिमिट फिर पूरी हो चुकी है। बहुत शुक्रिया, मुझे उम्मीद आपका फ़ायदा हुआ होगा।